उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे किए हैं। हमारे साथ खुद इस वक्त मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं। धामी साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 में बहुत बहुत। और आपने 2 साल आपकी सरकार के पूरे हुए हैं और इस समय क्योंकि लोकसभा चुनाव का भी शोर है, तो मैं यहीं से अपना सवाल शुरू करना चाहूंगा कि ये पूरा जो लोकसभा का चुनाव है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज पे हो रहा है, केंद्र सरकार की भी इमेज है, साथ में आपकी सरकार के भी 2 साल पूरे हुए हैं, क्या आप मानते हैं कि चुनाव के जो भी नतीजे आएंगे उसमें पुष्कर सिंह धामी की सरकार का जो योगदान है, उनके जो कामकाज है, उसका भी रेफरेंडम होगा? देखिए, कुल मिला के लोकसभा का चुनाव हमारे राज्य के अंदर जब से प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री, जब वो पद के उम्मीदवार के रूप में आए थे, तब से लेकर 2014 के चुनाव हो या 2019 के चुनाव हो, पांचों सीटें यहाँ से जीते हैं और 2024 में भी पांचों सीटें जीतेंगे, क्योंकि उत्तराखंड से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लगाव है, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है, हर एक उत्तराखंडवासी जानता है। और आज तो पूरी देश दुनिया के अंदर उनके इन 10 सालों में जिस प्रकार से भारत की पहचान बढ़ी है, दुनिया में हमारी साख बढ़ी है, लोगों का हमारे प्रति विश्वास बढ़ा है, ये हर एक भारतवासी से छिपा हुआ नहीं है। और ये चुनाव उन्होंने जो 10 साल तक देश के लिए तपस्या की है, अपने को एक एक पल पल उन्होंने देश के लिए लगाया है, देशवासियों को भी उस रिजल्ट में, उस परिणाम में अपनी आहुति देनी है। परिणाम 2024 का 4 जून को निकलेगा, तो उत्तराखंड से यहां से पांचों सीटें हमारी जीतेंगी, उसमें हमारी डबल इंजन की सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहां काम कर रही है, उसने भी अनेक काम किए हैं, चाहे समान नागरिक संहिता का हमने जो प्रदेश की जनता के साथ वायदा किया था, संकल्प लिया था, वो पूरा किया है। धर्मांतरण पर हमने कठोर कानून बनाया है, नकल रोकी है, नकल रोकने के लिए नकल का कानून भी हमने बनाया है। हमारी माताओं बहनों को 30% का सरकारी नौकरियों में हमने आरक्षण सुनिश्चित किया है। इसके साथ साथ दंगा रोकने के लिए, अब दंगा भविष्य में न हो, यहां पर उत्तराखंड देवभूमि है, यहां का एक मूल स्वरूप है, वो खराब न हो किसी प्रकार से भी, यहां उपद्रव, यहां पर दंगा, यहां पर आगजनी, उपद्रव, इसका कोई स्थान नहीं है। राज्य देवभूमि में सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं, आपस में भाईचारा है जी। यहां पर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आपने देखा होगा बनभूलपुरा क्षेत्र में जो घटना हुई थी, उसको प्रशासन ने, कानून ने अपना सख्ती से काम किया है जी। और इसके साथ साथ इन घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, उसका भी हमने प्रावधान कर दिया है। हम दंगा निरोधी जो कानून है वह भी लेकर आए हैं, और अब कोई भी दंगाई, कोई भी उपद्रवी, कोई इस प्रकार की आगजनी होगी और उसमें कोई नुकसान सरकारी संपत्ति का, निजी संपत्ति का होगा, तो उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगाई स्टेट गवर्नमेंट उसे वसूलेगी। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा एक जो बड़ा डिसीजन अभी सरकार कर रहा है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कर रहा है। देश में उत्तराखंड पहला राज्य बना है और आपके नेतृत्व की सरकार ने उसको लागू किया है कुछ दिनों में, जैसा आपने कल बताया भी था, वो यहां राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वो लागू भी हो जाएगा। मेरा सवाल यह है मुख्यमंत्री जी, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए कानून की बात करता है, उत्तराखंड में करीबन 14% मुस्लिम आबादी भी है और वो लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मानते रहे हैं, अब जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या आपको लगता है कि वो एक परीक्षा की घड़ी होगी सरकार के लिए? देखिए, ये हम उत्तराखंड देवभूमि की जनता ने हमको इसके लिए मैंडेट दिया, क्योंकि हमारा ये संकल्प था और ये हमने पहला डिसीजन इसी पर किया। 2022 का आम चुनाव जब हम उत्तराखंड में यहां अपने मत के लिए, उनके मत के लिए, समर्थन के लिए गए थे, तो हमने यही कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पहला डिसीजन यूसीसी लागू करने की दिशा में काम करेंगे जी। और हमने वो वायदा पूरा किया है। और इसमें जो भ्रांतियां हैं, वो भ्रांतियां, अभी एक्ट लागू हो जाएगा तो उनकी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी, कोई संदेह नहीं है। ये सबकी भलाई के लिए लाया गया कानून है। इसमें जो हमारी महिलाएं हैं, महिला वर्ग का विशेष रूप से ध्यान रखा गया, उनकी सुरक्षा का भी, सशक्तिकरण का भी। मुस्लिम बहनें भी बड़ी संख्या में मेरे पास आई हैं, मैं जहां गया, हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में, देहरादून में, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आई और उन्होंने धन्यवाद कराया कि नहीं, आपने बहुत अच्छा कानून लेकर आए हैं जी। इससे उनको भी जो है आत्मबल मिलेगा, उनकी सुरक्षा होगी, बच्चों की सुरक्षा भी होगी, जो बच्चे जो है
आज इस संबंधों में रहते रहते पैदा हो जाते हैं, उनकी भी सुरक्षा, उनके भविष्य का भी, उसमें बुजुर्गों की भी जो सुरक्षा है वो भी सुनिश्चित की है, पुरुष वर्ग की भी सुरक्षा का प्रावधान किया है। तो इस सबकी समानता का जो कानून है ये सबकी भलाई के लिए लाया गया है, किसी को टारगेट करने जैसा, किसी को किसी के विरोध में नहीं लाया गया है। जी तो सर, ये जो जैसे उत्तराखंड में ये नागरिक संहिता कानून आया है, नकल विरोधी कानून है, धर्मांतरण को लेके कानून है, और चीटिंग को लेके आपने एक सख्त कानून बनाया, ऐसा बहुत से डिसीजन आपने 2 साल में आपकी सरकार ने लिए हैं। जब आप 3रे साल में प्रवेश कर रहे हैं ये सरकार, तो आपकी क्या प्रायोरिटी है, एक या दो महत्वपूर्ण प्रायोरिटी? देखिए, हमारा ये है कि आने वाले समय में उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, नशा रुकना चाहिए, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा बनना चाहिए, रोजगार स्वरोजगार बनना चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, हमारी जो बहन बेटियां हैं उनका जीवन सुरक्षित होना चाहिए, उनको भी काम मिलना चाहिए, लखपति दीदी बननी चाहिए, इन सब पर हम काम कर रहे हैं, हमारे नौजवान युवा भाई बहनों को यहीं पर रोजगार मिले। जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर बनाने का, हरिपुर घाट पर हरिपुर नगर बसाने का, 2 नए शहर बनाने का, शारदा कॉरिडोर बनाने का टनकपुर में माँ पूर्णागिरी के धाम पर, बाबा हमारे नीम करोरी बाबा का कैंची धाम, उसके लिए हमने धनराशि जारी कर दी है, जागेश्वर धाम, गुंजी का मास्टर प्लान, जहां 4 धाम में हमारा तेजी से है कि केदारनाथ का जो रोप वे का काम चल रहा है वो तेजी से आगे बढ़े, हेमकुंड साहब का तेजी से बढ़े, 4 धाम में आने वाले जो यात्री हैं उनकी विशेष करके सुविधाओं का ध्यान करें, और अनेक अनेक क्षेत्रों में हमने जो छात्रवृत्तियां दी हैं उसको लेकर हमारे नौजवान युवा भाई बहन देश में विदेश में अपनी सेवाएं दें, उन सब पर हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे अनेकों कामों को हमने सोचा है और उनकी एक समय सीमा भी हम निर्धारित कर रहे हैं। जी अच्छी जो सरकार है, अच्छा जो शासन है वो जनता के लिए हो, जनता को उसकी सुविधाएं मिले। देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है, यहाँ की डेमोग्राफी भविष्य में न बदले, जो जो हमने निर्णय लिए उनका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन हो, और जिस प्रकार से आज पूरे देश दुनिया के अंदर उत्तराखंड की एक पहचान बनी है, वो पहचान और मजबूत हो। अच्छा सर, जहां से मैं एक राजनीतिक सवाल में फिर से लौटना चाहूंगा, अभी जैसे लोकसभा चुनाव चल रहा है और आपने भी कहा कि आप आश्वस्त हैं कि 500 सीटें यहां बीजेपी को मिलेंगी, जीतेंगी, मेरा सवाल यह है कि उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी एक दो महत्वपूर्ण पार्टियां रही हैं जो आमने सामने चुनाव में आते रही हैं। 19 विधायक कांग्रेस के थे, 1 विधायक शामिल हो गए। कुछ दिनों पहले बीजेपी अध्यक्ष ने भी कहा था कुछ और लोग भी आने चाह रहे हैं, और बहुत से लोग आए भी हैं कांग्रेस के। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि आपकी क्या राय है इस बारे में कि पार्टी के कई लोग आपके अंदर भी ये कहते हैं कि भाई कितने कांग्रेसी आखिर हमारी पार्टी में आएंगे, ये ना हो कि हमारी पार्टी के अंदर ही एक कांग्रेस की ए टीम और बी टीम बन जाए, इस पर आपका क्या कहना है? उसमें देखिए, चूंकि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश का और उत्तराखंड का विकास आगे बढ़ा है, ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, और हर कोई आदमी आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को लेकर, विकसित भारत की जो संकल्पना है, तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनने वाला है, और इन सब ऐसे निर्णय हुए हैं। सैनिकों के लिए अनेक सुविधाओं का काम हुआ है राज्य के अंदर, क्योंकि ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश भी है, देश के अंदर धारा 370 समाप्त हुई है, राम भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मंदिर बन गया, CAA का कानून लागू हो गया, ऐसे अनेक निर्णय, नारी शक्ति बंधन विधेयक भारत की संसद ने पारित कर दिया। तो दूसरे दलों के लोग आना चाहते हैं, लेकिन हमारे प्रदेश के संगठन ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस पर व्यवस्था बनाई है कि अब वो एक प्रक्रिया के तहत इस काम को करेंगे। पार्टी के कई सीनियर लीडर्स को आपकी सरकार ने अकोमोडेट करा है, अलग अलग जगह में उनकी सेवाएं लेने के लिए कई संस्थानों में लगाया है, कई आयोगों में फिट किया है। एक एक्सपेंशन, कैबिनेट एक्सपेंशन का बार बार सवाल आता है और आपसे पूछते भी रहे हैं, अब 2 साल हो गए, फिर से कई विधायकों की उम्मीद है कि वो 4 पद हैं वो भरेंगे, या ये भी चर्चा चलती है क्या रीशफलिंग होगी कैबिनेट में, इस पर क्या कहना है आपका? नहीं देखिए, वो बात पहले चली थी और फिर अनेक अनेक कारणों से वो प्रक्रिया आगे बढ़ी है, और निकट भविष्य में सभी प्रकार की जो चीजें हैं हमारी, सब लोग बैठते हैं आपस में तय करते हैं और फिर निर्णय होते हैं। आप मेरे एक अंतिम सवाल यह है कि उत्तराखंड की राजधानी का मुद्दा एक हमेशा उत्तराखंड में शुरू से रहा है, अब तो 24 साल स्टेट बने हो गए हमारे, गैरसैंण समर कैपिटल है, लेकिन उत्तराखंड की कैपिटल कहाँ होगी ये नहीं है,
अभी तक तय नहीं हो पाया, क्या आपकी सरकार, क्योंकि आप एकदम खटाखट डिसीजन लेने के लिए भी जाने जाते हैं, क्या स्टेट कैपिटल को लेके कोई सरकार की प्रायोरिटी, कुछ आप इस दिशा में काम करना चाहेंगे? देखिए, अभी तो चूंकि गैरसैंण हमारी ही सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई हुई जी थी, और हम लोग बैठेंगे इसमें बात करेंगे, और जैसे उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी निर्णय लेने होते हैं वो सारे निर्णय हम लेते हैं, आने वाले भविष्य में लेंगे इस पर। जी, तो बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल के अलावा अगले आने वाले समय में क्या प्रायोरिटीज हैं इसको भी गिनाया। कैमरामैन संदीप के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज 18 के लिए देहरादून से।